नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले डाक मत पत्र गिने जा रहे हैं। ईवीएम मशीन की गिनती प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्येक चक्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। आपको लेकर चलते हैं सीधे रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज और दिखाते हैं वहां का नजारा। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग कमरे में टेबल लगाई गई हैं। 14 टेबल पे मतगणना होगी, हम आपको बता दें। उसके बाद मतगणना ईवीएम की प्रारंभ होगी डाक मत पत्रों के बाद 8:30 बजे से। रीवा और मऊगंज जिले की बात की जाए तो 2016 मतदान के लिए बूथ बनाए गए थे। 114 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होना है 8 विधानसभा सीटों के लिए। लगभग 18,33,000 वोटों में से 12,27,000 के आसपास वोट पड़े थे। इस तरीके से लगभग 67% मतदान हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देवतालाब से प्रत्याशी हैं। वहीं रीवा में राजेंद्र शुक्ला जनसंपर्क मंत्री प्रमुख प्रत्याशी हैं। अगर रीवा और मऊगंज जिले की बात की जाए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्द ही ताज़ा अपडेट लेके आएंगे, तब आपको बताएंगे इस समय कौन आगे और कौन पीछे। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से पल पल की जानकारी दे रहे हैं।